हिमाचल के लिए अच्छी खबर है। देश में आम चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद से शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी है। वहीं मैदानी इलाकों के स्कूलों में इन दिनों छुट्टियां भी हैं। इस कारण भी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। समर सीजन पीक पर है और प्रदेश में होटलों में ऑक्यूपेंसी वीकेंड पर 90% तक पहुँच गई है। शिमला, कसौली, किन्नौर व मनाली में 90% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी चल रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार पर्यटन सीजन अच्छा रहेगा। क्या बोले पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार, सुने विस्तार से। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं होटल्स की, तो HP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि हमारे होटल हैं कॉरपोरेशन के, तो उसमें तो आजकल की ऑक्यूपेंसी है, अभी जून में या हम मई एंड की बात करते हैं, वो लगभग 70-80% के आसपास चल रही है। और वीकेंड्स पे यही ऑक्यूपेंसी जो है लगभग 90% के आसपास पहुँच जाती है। और बात रही पिछले साल के कंपैरिजन में, तो आप जानते हैं कि पिछले साल जब मॉनसून आया तो प्रदेश में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। उस चक्कर में हमारे बहुत सारे रोड जो हैं वो बंद पड़े थे, तो टूरिस्ट का यहाँ पे आना भी पॉसिबल नहीं था। तो इस कारण जो है टूरिस्ट की काफ़ी संख्या में जो कमी आई थी, लगभग नेग्लिजिबल जिसको बोल सकते हैं, वो अब धीरे धीरे जो पिकअप कर रहा है। अब ये गर्मी का सीज़न जो चल रहा है, जिसमें जैसे जैसे प्लेन्स पे गर्मी बढ़ रही है, वहाँ पे स्कूल्स में कॉलेजेस में जब छुट्टियां होती हैं तो नेचुरली बच्चे फैमिलीज़ यहाँ जो है पहाड़ों की तरफ घूमने आते हैं। तो अभी जो टूरिज़्म की बात करें हमारे कॉरपोरेशन में, इट इज़ इम्प्रूविंग और अच्छा चल रहा है इसमें। ऐसा अगर देखा जाए तो नेचुरली जब टूरिस्ट आता है, चाहे वो फॉरनर्स है, इंडिया में है, इंडिया में कोई टूरिस्ट आता है, अगर यहाँ पे आपकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, रोड्स अच्छे हैं, कनेक्टिविटी है, तो नेचुरली फॉरेन टूरिस्ट में भी जो है इजाफा देखने को मिलता है। तो 85-95% के आसपास है वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा। आप जैसे आप भी देखते हैं शिमला में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का रश है, काफ़ी लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लग रहे हैं, तो ऑक्यूपेंसी वीकेंड्स पे 80-90% के आसपास चल रही है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।